एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप के बाद गूगल प्ले स्टोर में किस तरह से अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे यूजुअली एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में तो बताऊँगा ना मैं, आप फिलहाल जब भी टाइम मिलेगा तो उसका भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखो एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी मैं बना रहा था लेकिन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे यूजुअली इस तरह ओपन हो जाता है वो, आप वहाँ पे क्लिक करोगे आइकॉन के ऊपर तो इस तरह न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जो प्रोजेक्ट मतलब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो यहाँ पे टाइप करना चाहिए। स्टार्टिंग यूजुअली कैपिटल होना चाहिए। मैं एक एप्लीकेशन करूँगा कि टूथ एक, ठीक है, इसके बारे में मैं एप्लीकेशन करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम लिखिए और यहाँ पे आपको ओके करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना टारगेट मतलब किस डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल हो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद। अगर आप जिंजरबीट सेलेक्ट करोगे तो 100% डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल होगा। अगर आप ये देखिए 8 एंड्रॉयड वर्शन पे अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ओनली 1% डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल होगा कि नॉट। यहाँ पे देखो 1.5% है। इसीलिए ना यूजुअली जब भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आई प्रीफर जेली बीन, ठीक है, 99.2% इस तक की डिवाइसेस कंपेटेबल है। अगर आपको नहीं तो आइसक्रीम या सैंडविच ये भी कर सकते हो, 100% डिवाइसेस के साथ ही कंपेटेबल होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट मतलब करना होगा इस तरह के ऑलरेडी एडवांस इस तरह के एक्टिविटी आते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कीजिए और ओके करिए। जो बाकी के यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नेम मेन एक्टिविटी है और इस लेआउट का नेम एक्टिविटी मेन है, ऐसे ही रहने दो इसे, बाद में फिनिश इट। ये जो बाकी की जो प्रोसेस है ना बिट लेंदी है, बहुत टाइम ले रहा है, तो कभी फुर्सत से मैं आपको आराम से सिंपल एप्लीकेशन किस तरह डेवलप करना है मैं बता दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे जाएंगे, ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन डेवलप किया है, सो ये तो नहीं चाहिए, फाइन, आई डोंट वांट इट, फाइन। तो मुझे यूजुअली यहाँ पे मैं एप्लीकेशन अगर मैं प्ले स्टोर में डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं टैप करूँगा गूगल प्ले कंसोल में जाऊँगा। तो गूगल प्ले कंसोल में यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करूँगा। एप्लीकेशन अगर आपको डालना है तो यहाँ पे गूगल ने कुछ रजिस्ट्रेशन फी मतलब ये करा है, रजिस्ट्रेशन फीस की $25 है, लगभग 1700 to 1800 के बीच में होगा। तो अगर आपको एप्लीकेशन अपलोड करना है तो यहाँ पे पहला इस तरह का स्क्रीन खुलेगा, यहाँ पे आपको क्रिएट एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे ना एप्लीकेशन की टाइटल मांगा, मैं यूजुअली एक मतलब यहाँ पे एक ऐप बनाया हूँ वो टूथटेक के ऊपर है, टूथटेक क्विक रिलीफ टिप्स रखता हूँ, ठीक है। ये मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का नाम है, तो स्पेलिंग करें, ठीक है। तो होने के बाद तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, यहाँ पे लिखूँगा मतलब ऐप गिव्स इंफॉर्मेशन, आप कुछ भी ले सकते हैं जो उसका रिलेटेड है, गिव्स इंफॉर्मेशन टू गेट क्विक रिलीफ टूथ एक इंफॉर्मेशन अबाउट रेमेडीज, नेचुरल रेमेडीज टू गेट क्विक रिलीफ फ्रॉम टूथ एक, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए एक फुल डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैं फुल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हूँ समय बचाने के लिए, तो यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ये फुल डिस्क्रिप्शन हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है, पहले ऐसे था नहीं। यहाँ पे ब्राउज फाइल्स, ब्राउज करके यहाँ पे हमें ना जो हमारे एप्लीकेशन है उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालना पड़ता है, उसकी भी एक साइज है, उसके मुताबिक डालना पड़ता है। तो मैं एक बना चुका हूँ ऑलरेडी, मैं रखा हूँ जस्ट अ मिनट ना, अभी कुछ ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। ये नीचे मुझे फीचर इमेज होगा, ये तीन जो है 2 और ये 3 को मैं सेलेक्ट करूँगा,
ये तीनों जो है ना, ये मेरे एप्लीकेशंस के अंदर के कंटेंट्स की स्क्रीनशॉट है। तो डन। तो यहाँ पे ना हाई रेजोल्यूशन आइकन चाहिए यहाँ पे, और उसकी जो साइज है ना 512x512 ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा काम हो तो वो नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे आइकॉन के लिए इसे सेलेक्ट करता हूँ। फिर ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे फीचर ग्राफिक चाहिए, फीचर इमेज चाहिए, तो इसके लिए मैं ये फीचर ये डालता हूँ। ठीक है, फीचर ग्राफिक। इसके साइज यहाँ पे दिया है 1024 विड्थ, और हाइट होना चाहिए 500 है। इस तरह मतलब ये साइज़ के ऊपर ज़्यादा देंगे तो ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। फिर फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कुछ लूँगा, समझिए कि इसे रैंडमली अगर लोगे तो नहीं होगा, सूट नहीं होगा यहाँ पे। अगर इसकी जगह में दूसरा कुछ साइज़ में ट्राई करूँगा तो नहीं लेना, नहीं लेगा वो। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन टाइप, ये जो एप्लीकेशन टाइप एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और कैटेगरी, कैटेगरी ये जो ना हेल्थ फिटनेस के और आता है, हेल्थ एंड फिटनेस, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा। रेटिंग की ज़रूरत होगा, और इसको पॉलिसी भी मुझे डालना पड़ेगा यहाँ पे, पॉलिसी के लिए मैं बनाऊँगा यहाँ पे। तो कैटेगरी सेलेक्ट किया हमने, लेटर, अगर वेबसाइट था तो वेबसाइट एंटर कर सकते हो। यहाँ पे ईमेल आईडी कंपलसरी है, तो रेटिंग उसको ही आ जाएगा। तो फ़ोन नंबर स्टार रहा तो कंपलसरी है, डालने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है ना यहाँ पे मैं ऑलरेडी बनाया हूँ प्राइवेसी पॉलिसी। इसके पॉलिसी होते हैं यूजुअली, जब भी सब्सक्राइबर या कोई इसे डाउनलोड करेगा तो हम यूजुअली किस तरह का हमारा एप्लीकेशन बिहेव करेगा, ऐसे पॉलिसी है। तो इसलिए मैं ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हूँ पॉलिसी को। तो इसका जो URL जो है ना मुझे कॉपी करना होगा, यही URL को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो होने के बाद सो मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो था ये स्टोर लिस्टिंग यहाँ पे टिक मार है, टिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं कंटेंट रेटिंग के ऊपर जाऊँगा। तो कंटेंट रेटिंग तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे जब भी जाऊँगा तो यू मस्ट अपलोड एन APK बिफोर टेकिंग द कंटेंट रेटिंग क्वेश्चनरी। तो उससे पहला मैं ना ऐप को, मैं मतलब APK को मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे ऐप रिलीजेस में। तो जाओगे तो यहाँ पे नीचे प्रोडक्शन, यहाँ पे देखो मैनेज प्रोडक्शन है, यहाँ पे क्लिक करो। तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट रिलीज, यहाँ पे मैं क्रिएट रिलीज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, नेवर रिकॉर्ड दिस, कंटिन्यू बोल के बोल दूँ। यहाँ पे जो बोल रहा है ना यहाँ पे, ये जो ना ऐड APK फ्रॉम लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी में मैं यहाँ पे इस यहाँ पे कहीं भी APK मैंने रखा हूँ तो ब्राउज करता हूँ, क्योंकि इसको मैं स्टोर कर चुका हूँ। तो ये है APK ऑलरेडी मैं स्टोर कर चुका हूँ, मैं इसका कोडिंग भी कर चुका हूँ, यहाँ पे एड्स भी इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। जब भी कोई डाउनलोड करेगा एड्स डिस्प्ले होगा तो उसकी तो अर्निंग हो जाएगी, कोई भी कर सकता है एक्चुअली। डेवलपिंग इज सिंपल, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ये अपलोड हो रही है 55, 59, 60। तो इसको अपलोड करने होने के बाद कुछ फॉर्म से हमें फिलअप करना होगा, तो वेट करिए। तो डन, तो एनेबल्ड। तो यहाँ पे देखिए 1 मतलब ऐड हो गया, वर्जन कोड 1 है। जैसा मैं अपडेट करूँगा तो इसका कोड चेंज होती जाएगा, 1.1, 1.2, 1.3 में ऐसा चेंज करूँगा तब ये लेगा अपडेटेड। फाइन, तो इतना होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिव्यू। डन, रिव्यू एंड रोल आउट। इतना ही नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे देखो ऐप रिलीज यहाँ पे टिक हो गई। तो मुझे कंटेंट रेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बता रहे हैं आप सिंबल देखिए। ये हमें इसको पहला सॉल्व करना होगा। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंटेंट रेटिंग के ऊपर, यहाँ पे आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू करिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालिए, मैं यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी को हर एक बार दोबारा भी ईमेल एड्रेस पूछेगा, राइट। क्योंकि अगर आपका ऐप रिजेक्ट हो जाएगा तो इसी पर मैसेज आएगा। ऐप कुछ भी चीज़ें अगर ऐप के रिलेटेड थे, अगर पॉलिसी को वायलेट किया गया तो भी आपको यही यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ईमेल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर
एजुकेशनल है या यहाँ पे आपको डालना होगा। देखिए ये है ना ऐप कैटेगरी है, एजुकेशनल है या फिर यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, इसके ऊपर होगा। ये मैं यहाँ पे जो दे रहा हूँ ना, एक ये नॉलेज है, ठीक है। मैं इसको ना मैं एजुकेशन में डाल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ तो एजुकेशन में डालूँगा। तो यहाँ पे देखो वायलेंस के ऊपर है, तो वायलेंट मटेरियल है क्या? नहीं है, ठीक है। सेक्सुअलिटी है? नहीं है। तो इसमें हम स्टिक करना चाहिए। लैंग्वेज ऑफेंसिव लैंग्वेज है इसमें? नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्ड योर सब्सटेंस? नहीं है। दोनों इस तरह आप देख के आप इसको क्या करना चाहिए, इस तरह सिलेक्ट करिए। डज ऐप अलाउ यूजर्स टू परचेज डिजिटल गुड्स? नो, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव क्वेश्चनरी करता हूँ, और यहाँ पे उसके होने के बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट रेटिंग करूँगा तो इस तरह रेटिंग आ जाएगा। देखिए कितना रेटिंग है ये, ठीक है। इस तरह रेटिंग हो जाएगा। अप्लाई रेटिंग करो, ये अप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे टिक आ जाएगा। डन, राइट। अब रही बात की ना, आप होगी प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्लिक करो। तो प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये मैं एप्लीकेशन है, ये फ्री है, ये फ्री है। आप पेड भी कर सकते हैं, आप फ्री भी कर सकते हैं। तो मेरा यूजली ये तो फ्री है, तो मैं फ्री कराऊँ। तो ऐप अवेलेबिलिटी के बारे में बताएंगे। हाइट कंट्रीज़, मैं जिस भी कंट्रीज़ को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि वहाँ पे पब्लिश हो जाए, ऐप अवेलेबल हो जाए। यूजली मैं अवेलेबल ऑल कंट्रीज़ करूँगा। तो देखिए 142 कंट्रीज़ में ये ऐप अवेलेबल होगा वहाँ के, मतलब 142 कंट्रीज़ में किसी भी मतलब कोई भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकता है, वो कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे प्राइमरी चाइल्ड डायरेक्ट? नो। कंटेन एड्स? यस, मैं यहाँ पे ऐड डाल चुका हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे यस इट हैज़ एड्स बोल के डाल रहा हूँ, ठीक है। होने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे ज़रूरत नहीं यहाँ पे मार्क करने की, लेकिन यहाँ पे देखो स्टार है, इसे मार्क कर दो। 100 कंटेंट गाइडलाइंस को मीट करता है, हाँ यस है, और यस एक्सपर्ट लाज ये भी, हाँ ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर जाइए, सेव ड्राफ्ट में मारिए। यहाँ पे देखिए प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी मार्क आ जाएगा, ठीक है। डन, नाइस। इतना होने के बाद यहाँ पे देखो रेडी टू पब्लिश, ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये मैनेज रिलीजेस आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करो, फाइन। इतना होने के बाद ये जो देख रहे हो एडिट रिलीज में एक बार आप क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। कन्फर्म करने के लिए पूछेगा ये, योर ऐप विल नाउ बिकम अवेलेबल टू ऑल यूजर्स ऑफ प्ले स्टोर, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू? इसे कन्फर्म कर दिए तो हो गया, तो ऑलमोस्ट डन, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं टू टेक क्विक रिलीफ टिप्स पेंडिंग पब्लिकेशन, ये एक या दो घंटे की मिनिमम समय लेगा। उसके बाद अगर ये पॉलिसी को मीट करता है, गूगल पॉलिसी को, तो ये प्ले स्टोर में मीट हो, मतलब पब्लिश हो जाएगा। मुझे ईमेल भी किया जाता है कि पब्लिश हो गया है। अगर नहीं है तो उसका भी वजह मुझे बता दिया जाएगा। किसी पॉलिसी को अगर मैंने ब्रेक करके अगर मैंने ऐप बनाया है, फॉर एग्जांपल किसी के पॉपुलर स्टार या मतलब थर्ड पार्टी किसी का भी इमेज लेके मैं यहाँ पे करूँगा, तो इजीली वो मतलब डेनि किया जाएगा। तो फाइनली इस तरह से 100 एप्लीकेशंस को पब्लिश किया जाता है। आप ऑल एप्लीकेशंस में जाके भी बात में देख सकते हैं। एनीवे इन फ्यूचर मैं 100 एप्लीकेशन को किस तरह डेवलप करें, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत सिंपल वे से मैं बताऊँगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।